मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के दारुल फलाह कॉलोनी के रहने वाले जो लोग हैं इन दिनों नशेड़ियों से काफ़ी परेशान हैं। जहां पर दारुल फलाह गार्डन हुआ करता था वहीं पर अब इन दिनों क्या रात क्या दिन ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। आने जाने वाले महिलाएं और छोटे बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना हो रहा है। इमारत में रहने वाले लोगों के मना करने के बाद भी यहाँ पर नशेड़ी जो है खुलेआम बैठकर नशा करते हैं। इमारतों में रहने वाले जो लोग हैं वो पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आज इस इमारत में रहने वाले लोगों ने बताया है आपको सुनाते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान मोहम्मद आरिफ मेहता जी। क्या मामला यहाँ पर, क्या नशा करने के लिए जो बैठते हैं लोग तो उसके खिलाफ क्या आप लोग मुहिम चला रहे हैं? नशा के लिए हमने 15 दिन से अपना काम धंधा सब छोड़ दिया इस्लामुद्दीन भाई। हम इधर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। 80% हमारा काम इधर तो काम भी अब हो गया, लेकिन 20% जो लोग हैं चंद लोग उन लोग बेचारे नहीं मान रहे। उनको भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हमने ये कहा अगर आपको हमारे से कोई चीज़ की तकलीफ है तो आप हमें 2 चमाट मार लो। आपको अगर हमारे इलाका है यहाँ पर बैठते हैं जी जी हाँ यहाँ बैठते हैं तो हमने उनको कहा भाई तू हमें 2 चमाट मार ले, लेकिन तो अल्लाह के वास्ते यहाँ से चले जा, हमारी मेहनत को ख़राब मत कर, हमारी मेहनत को तू ख़राब मत कर। बताया आपने पुलिस पे, हमने कुछ शिकायतें की थी तो उन्होंने कहा कि बोले हम काम करेंगे इस पर, हम इस पर लेंगे फॉलोअप लेंगे, पेट्रोलिंग में थोड़ा बढ़ाएंगे। क्या तकलीफ आप लोगों को यहाँ जो हो रही है तो कितने तादाद में आते हैं, क्या और भी कुछ एक्टिविटी यहाँ पर होती है ऐसा नशे वालों जी? कुछ अलग तरह की एक्टिविटी यहाँ पर नशे वाले करते हैं, क्या करते हैं? चरस पिया जाता है, गांजा पीते हैं, कोरक्स की बॉटल पीते हैं और प्लस लड़का लड़की भी खड़े रहते हैं रात के टाइम पे मगरिब के बाद से। तो इस सारी चीज़ों पे हमारी मुहिम चल रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी सोसाइटी मिलके। मैं एक अकेला सुफियान नहीं कर रहा हूँ, दारुल फलाह 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग इस मेहनत को कामयाबी देना चाह रहे हैं। 80% तो हमारा कामयाबी हो चुकी है, 20% की आप लोग से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा साथ दें। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से भी हमारा ये वो है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, सारे लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें, हमारी मुहिम को कामयाबी बनाए। अब इतना काम किया हमने, उनसे कहा कि देख अप्पर भाई हमारी माँ बहनें रहती तेरे घर में है तो बोला हाँ है, तो उनके सामने पीता क्या? बोले नहीं पीता। तो भाई तू हमारे इधर क्यों कर रहा नशा, तो अल्लाह के वास्ते चले जा मेरे भाई, तेरी तलब है तेरी मानते हम, लेकिन तू भी इसको छोड़ दे, अल्लाह उसको भी हिदायत दे, उनको भी समझ दे। एक पहले बस खड़े रहती है, बस के बाद में टेम्पू खड़े रहती है, उसके अंदर उनको आड़ बन जाती। माशाल्लाह हमारे शानू भाई ने मेहनत की, हमारे साथ में हमारा साथ देने आए, उन्होंने हमसे ये कहा कि बस वालों से बात रखी कि भाई आप लोग यहाँ पर मत कर रहे खड़ा रखो कि उनकी वजह आप लोग की वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है, वो मेहनत कर रहे हैं नशे वालों के ऊपर। तो बस तो माशाल्लाह पहले 5-7 खड़े रहती थी, अभी सिर्फ एक ही बची, इंशाल्लाह वो भी चली जाएगी उम्मीद है हमको। ये टेम्पो वाले से भी उन्होंने कहा शानू भाई ने कि भाई आप लोग अपना है ना टेम्पो नाके का अप्लाई करो, मुंब्रा विभाग में अपना RTO के अंदर अपना टेम्पो नाका का अप्लाई करो वहाँ पर लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहीम है, मैं बिल्डिंग नंबर 4 में रहता हूँ दारुल फलाह के। इसमें क्या तकलीफ़ें यहाँ पर हो रही है? तकलीफ देखो मेरा तो घर फ्रंट पे, मैंने जब से खिड़की बनाया है घर में जब से मैं होश है मैं खिड़की नहीं खोला हूँ। तो आज अभी हम कैसे हैं, पहले चलो ठीक है लोग थे सब थे उन लोग करते थे, अभी हम आए हैं यूथ लोग अभी आगे आए हैं ये नशे हटाने के वास्ते, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमको रोक रहे हैं। वजह है कि भाई वो बोलते हम 30 साल से है, हम 20 साल से है, ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ है कि हमको बस ये नशे वालों को परेशानी है, हमें आने जाने का रास्ता है। आप अभी भी देख सकते हो हमारा जो मेन रास्ता है आने जाने का अभी भी गाड़ियां पार्क है, तो हम आएंगे कहाँ से? और ऊपर से नशा करने वाले भी हम अगर बोलते भी है झगड़ा करा जाता है हमारे साथ, बोलते हम यहाँ बचपन से रहा जा रहा है सालों से रहा जा रहा है, फिर हम कहाँ जाएंगे?